prisoner. For us, no, एक बंदी है. Now, here we find Paul writing later on, he said, redeeming the time. He utilized every opportunity to present Christ. और उसने पौलुस ने कोई भी ऐसा वक्त जाया नहीं किया या कोई भी अवसर नहीं गवाया परमेश्वर यीशु मसीह को बयान करने में. परमेश्वर द्वारा यह स्वर्ग से बुलाई गई आवाज को उसने अनसुना नहीं किया और वहाँ पर वो गवाही दे रहा है और वो बता रहा है कि कैसे यीशु उससे मुलाकात किए है और कैसे यीशु मसीह ने उसके साथ बात की और ये स्वर्ग से उसे बुलाना हुआ और परमेश्वर ने अद्भुतता से उसे बुलाया है. He told Saul, Saul, my person is not me. It's all about me to kick against the face. और उसने परमेश्वर
Jesus whom thou persecutest. प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता रहा है. Oh, what a wonderful thing. गुड बात है. The name of Jesus should make Paul angry. यीशु मसीह का नाम ही केवल पौलुस बलिद को क्रोधित कर रहा है. It should make him to the lose his control and run and show his fist to the people. Then he hears the name of Jesus. और Jesus a man of it. और जब भी यीशु का नाम सुने थे तो पौलुस अपना आपा खो देता था और गुस्सा हो जाता था इतना तक कि लोगों को मारने पर जाता था. That's where he's going to Damascus. और इसी कारणवश वो वहां दमिश्क की ओर जा रहा है. That's the same purpose. इसी उद्देश्य को लेकर. Now what's the condition of Paul? अब हम देखते हैं पौलुस की अवस्था क्या होगी. He is laid down on the ground. वो जमीन पर गिरा पड़ा है. No strength left in body. उसके देह में कोई भी ताकत नहीं बची. He's blind. वो अंधा हो गया. He could not hear. वो केवल सुन सकता था. परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया है. And not called you and me. जब परमेश्वर ने आप और मुझे ने बुलाया, जब उसने हमें चुना, we were not sinners. हम पापी थे. We were destitute.